ना, अब इसमें देखें आपके, हमने क्योंकि प्रिंट स्क्वायर किया है तो उसकी एक 1/4916 आ रही है, लेकिन लिस्ट में नहीं आ रहा, तो हम इसको जो है बेसिकली स्क्वायर्स को प्रिंट करवाएंगे और तो उसको पीछे से इसको, क्योंकि हमने लिस्ट का नाम बनाया। अब आप देखें ये एक लिस्ट बन गई है 1/4916 and 25। अगर हम प्रिंट को वैल्यू के फॉर लूप के हिसाब से आगे करते हैं और उसको अगर रन करा के देखें आप, तो इसका जो रिजल्ट है वो त्रिकोणीय में आ जाएगा और वो 1 और उसके बाद ऊपर जाएगा और उसके बाद दूसरी लिस्ट बनेगी 1 to 4 और फिर 1/4919। तो अगर हमने इसको सिर्फ अपेंड कर देना है लिस्ट में, तो हम इसको प्रिंट को पीछे ले जाएंगे और उसको रन करवाएंगे तो वो एक लिस्ट बन जाएगी, अदरवाइज वो डिफरेंट जो है वो कोड लिख लेगा, उसको 1 को करेगा और उसको अपेंड करके फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर वो 1 और 4 को लेगा, फिर 1/4916 को लेगा, फिर 1/4916 को लेगा, इस तरह जो ना वो 1 to 100 तक जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे हम अब स्लाइड पे चलते हैं कि कौन सा टॉपिक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो टॉपिक है, राइट दिस कोड मोर कंसाइजली, ओमिट द टेम्पररी वेरिएबल स्क्वायर एंड अपेंड ईच न्यू वेरिएबल वैल्यू डायरेक्टली टू द लिस्ट। अब हमें जो वेरिएबल जो है एक दिया है स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू स्क्वायर, इसको हमने ओमिट कर देना है और उसके बाद कोड को हमने लिख के देखना है कि वो किस तरीके से काम करता है। चलिए चलें देख लिख के देखते हैं कि स्क्वायर्स इज इक्वल टू और ब्रैकेट्स अच्छा जी, इसके बाद है और वैल्यू इन रेंज 1, 2 सॉरी 2 नहीं है 11 और उसके बाद जो है ये इनमें नहीं आ रहा तो इसको हम इसमें एड करते हैं, ये जो है लाइन इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, हिसाब से नहीं आ रहा था। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने वेरिएबल डिफाइनिंग कर ला, जो स्क्वायर्स वाला था हमने डायरेक्ट अपेंड करना है और वैल्यू में, तो पहले ऊपर जो है स्क्वायर इज इक्वल वैल्यू और उसको स्क्वायर था, अब हम इधर इसको यूज नहीं करेंगे वेरिएबल को, हमने इसको स्क्वायर्स डॉट अपेंड और उसको हमने स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इधर अपेंड करवा देंगे डायरेक्ट, वो वेरिएबल को हमने ओमिट कर दिया और उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाद इंटर और इसको हम ब्रेक पे जाके प्रिंट करवाएंगे क्योंकि हमें लिस्ट में नाम चाहिए, तो हम लिखेंगे स्क्वायर्स और इसको हम अब रन करके देखेंगे तो ये जो वेरिएबल वाली लिस्ट थी वो हमने वो सॉरी स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू को जो है अपेंड में देनी थी वो देनी थी वैल्यू और उसको उसने 100 100 लास्ट वैल्यू लेगी। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं वैल्यू पावर 2, अब इसको रन करके देखें तो आपको ये 1/4916 के तौर पे दिखाएगा। अब आगे चलते हम फिर से हम स्लाइड की तरफ चलते हैं और इसके बाद जो है हमें डिस्कस करना है सिंपल स्टेटिक्स विद अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अ फ्यू पाइथन फंक्शन आर स्पेसिफिक टू लिस्ट ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ईजिली फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड सम ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट अ कोड। अब हम जुपिटर में जाके इसको देखते हैं कि किस तरीके से जो है ना डिजिट्स की एक लिस्ट है और उसको किस तरीके से पाइथन में हम कोड लिख सकते हैं। अच्छा जी,
digits is equivalent to 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8, comma 9, comma 0. अब एक से लेकर we start from 1 to 10 numbers. और हम इसमें इसको कहते हैं कि minimum digits search करके हमें बताओ. Find the minimum digits in the list. Good. That is 0. Now, if I write maximum digits in digits list, so run the program. That is 9. If I say sum these digits, sum and digits, so run the program. He add all numbers. 1 8 2 is 3 3 8 3 is 9 9 4 13 13 5 18 18 6 is 24 24 7 is 31 and 31 is 8 39 39 and 9 45 right 6 4 oh sorry 1 and 2 3 3 3 is 6 6 4 10 15 21 28 28 36 36 and 9 45 Now go to the slide, next slide, list comprehension. A list comprehension allows you to generate this same list in just one line of code. A list comprehension combines the for loop and creation of new elements into one line and automatically appends each new element. So this example builds the same list of square numbers you saw earlier, but uses a list of comprehension. Or write a code in Jupyter notebook. You can write there. Looks like okay. Now we go to working with part of a list. You learn how to access a single element in a list, and in this topic you have been learning how to work through all the elements in a list. You can also work with a specific group of items in a list, which Python calls a slice. Slicing a list. To make a slice, you specify the index of the first and last elements you want to work with. The example involves a list of players on a team. Okay. For example, list of players. Okay, go to the Jupyter notebook. Now, players is equal to, and this is the list. List is, one player is Hardy. Okay, it means, and now in players spelling is incorrect. Players is equivalent to list, and there is a deep player name 1. So we after car second player is Muhammad, and third player is inverted commas Dig, and fourth player is Umar,
comma, and fifth is ugly. No print parentheses pairs. Now run this program. Hadi, Muhammad, Siddiq, Umar, and Ali. Just print the list. But we print a list according to the slicing, which make the first and last elements of the list. So here we in print command, here I write 0:3. It means ke ye 0 se lekar jo hai 3 tak jo range hai usse 2 tak jo hai naam aayega, start 0 se hoga aur 0, 1, 2, 3 nahi aayega aur 2 tak aayega. To ye isko इस कमांड के मुताबिक हादी मोहम्मद एंड सिद्दीक को प्रिंट करना है चाहिए. अब इसको हम रन करा के देंगे तो हादी मोहम्मद एंड सिद्दीक इसको प्रिंट किया है. अब उसके बाद आगे चलते हैं जी स्लाइड पे. क्या है इसके बाद कौन सा है कि जी फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आइटम्स इन द लिस्ट यू स्टार्ट द स्लाइड एट इंडेक्स 1 एंड एट इंडेक्स 4. तो हम इसको भी कोड को रन करके देखते हैं जुपिटर में और हम इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं और 1 और 4 का हम इसको चेंज कर देंगे वैल्यू एलिमेंट्स की ताकि वो हमें 1 और 4 की एरेंज. तो 1 जो है वो लिस्ट के मुताबिक मोहम्मद होता है और जो 4 है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4 तो उम्र तक. ठीक है तो 1 मोहम्मद हो जाएगा, देन सेकेंड इज सदीक एंड थर्ड इज उमर और फोर्थ क्योंकि रेंज है तो वो वहाँ पर नहीं जाएगा. तो प्रिंट करके देखते हैं कि ये हमें नाम देगा मोहम्मद सदीक एंड उमर. तो ठीक है जी मोहम्मद सदीक एंड उमर. तो उसके बाद फिर अगला क्या टॉपिक है जी क्या देखना है. इफ यू ओमिट द फर्स्ट इंडेक्स इन अ स्लाइस पाइथन ऑटोमेटिकली स्टार्ट योर स्लाइस एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट. अगर हम उसको स्टार्ट वैल्यू 0 नहीं देते तो ऑटोमेटिकली उसको 0 ही कंसिडर करेगा. चलो ये कोड में जाके देखते हैं और हम इस लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसी को ही और इसमें सिर्फ एलिमेंट्स की वैल्यू जो है हम चेंज कर देंगे और 1 जो है उसको हम ओमिट कर देते हैं. तो ऑटोमेटिकली इस इट मीन्स कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है वो इंडेक्स 0 से शुरू करेगा और उसको हादी से लेकर उमर तक इसको प्रिंट करने चाहिए. ठीक है जी हादी मोहम्मद सदीक एंड उमर क्योंकि चौथा जो है इसमें 0, 1, 2, 3, 4 उमर. ठीक है 0, 1, 2, 3 उमर तक है और फोर्थ इफ टोटल 4, 5 है तो अगर मैं 5 कहूँगा तो ये अली तक करेगा. अगर मैं इसको 5 लिख दूंगा तो ये अली कर दे तक ही प्रिंट कर देगा. राइट अच्छा जी उसके बाद जो है हम आगे जो है चलते हैं कि अगर हम उसको लास्ट वाला कर दें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट ऑल आइटम्स फ्रॉम द थर्ड आइटम थ्रू द लास्ट आइटम यू कैन स्टार्ट विद इंडेक्स 2 एंड ओमिट द सेकंड इंडेक्स. और हम उसको 2 से स्टार्ट करते हैं और सेकेंड इंडेक्स को ओमिट कर देते हैं मतलब लास्ट कोलन के बाद वाला वैल्यू हम नहीं देते. वंस हम इसको कॉपी ऑलरेडी है हमारे पास इसको पेस्ट मारते हैं और ये कहता है पहला जो है 2 कर दें और लास्ट वाला जो है उसको ओमिट कर दें. तो ये हमें 2 से लेकर एंड तक प्रिंट करके देने चाहिए. तो 2 कौन सा बनता है वो सटीक बनता है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 है मोहम्मद 1 पर है और 2 जो है सदीक पे है. तो जहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है सदीक वहाँ से शुरू करेगा और एंड तक जाएगा. लेकिन जो एंड वाली रेंज जो भी होगी अगर 3 है तो वो 2 तक रुकेगा अगर 4 की रेंज है तो वो 3 नाम तक रुकेगा. उसके बाद जी स्लाइड पे चलते हैं. अब क्या है फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू आउटपुट द लास्ट 3 प्लेयर्स ऑन द रोस्टर वी कैन यूज द स्लाइस प्लेयर्स माइनस. अगर हम लास्ट 3 प्लेयर्स यूज करते हैं तो वो देखेंगे क्या आता है.
तो चलते हैं जी जुपिटर नोटबुक पे, और फिर से वही कॉपी है हमारे पास, इसको करते हैं और हम इसको ये प्लस ख़त्म कर देता हूँ, मिट कर दिया, और 4 की जगह हम -3 लिखते हैं और इसको रन कराएंगे तो ये बताएगा -3, मतलब सिद्दीक उमर अली। लास्ट में -1 होता है, फिर उमर -2 और फिर सिद्दीक -3। तो ये देखें, तो ये जो है ओमिट उसने कर दिया -3, और हमें हादी और मोहम्मद दे दिया। और अगर हम इसको इधर से ओमिट कर दें और यहाँ से -3 दे दें, देन व्हाट ही डिड, व्हाट डिड ही, सो सिद्दीक उमर एंड अली, तो जी। और अगर स्टार्ट जो है वो उसको हम कह दें कि भाई ये मैं स्टार्ट जो है आपने -3 से ही करना है, तो वो बनेगा सिद्दीक उमर एंड अली। और अगर हम उसको पहले की जगह लास्ट में -3 कर दें, तो ये -3 तक ओमिट कर देगा और स्टार्ट वाली जो वैल्यू है वो हादी से मोहम्मद तक जाएगा और आखिरी नहीं करेगा, तो ये हादी और मोहम्मद करेगा। और इसको भी आप देख लें, बल्कि मैं इसमें एक और कमांड भी डाल देते हैं, दो ही दोनों कमांड्स डाल के इसको प्रिंट करवा देते हैं। अगर प्रिंट जी नहीं आएगा, और हम इसमें लेयर्स और इसमें ये इंडेक्स एलिमेंट देना है, तो -3 : और उसको ओमिट करवा देते हैं और इसको अब रन करवाते हैं। तो अब इसको क्लियरली पता चल जाएगा आपको कि पहले अगर -3 है तो कौन से नाम है, और अगर कोलन के बाद -3 है तो कौन से नाम आएंगे, और उसको किस तरीके से वो करता है, तो इसको अब आप अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा जी, अब चलते हैं स्लाइड की तरफ और अपना नेक्स्ट टॉपिक, लूपिंग 3, लूपिंग थ्रू अ स्लाइस। अब हम इसको लूप स्लाइस में करना है और जुपिटर में चल के देखते हैं किस तरीके से जिन लूप बनाएंगे हम। तो लिस्ट हम वही वाली ले लेते हैं, और इधर हम लिस्ट में कॉपी करते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, और इसमें अब हम प्रिंट करते हैं कि Here are the first failures in my तो ये हमें एक टेक हेडलाइन दे देगा एक किस्म की, कि हेयर आर द फर्स्ट 3 प्लेयर्स इन माय टीम, और वो 3 प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे और हम उसको कहेंगे फॉर, ठीक है, फॉर और प्लेयर इन प्लेयर्स रेंज इन प्लेयर्स, और हम इसको लिस्ट बता देंगे कि क्या देनी है, 3 तक, 0 से 3 तक स्टार्ट करें, फिर ओमिट कर देंगे और 3 दे देंगे, तो 0 1 2 तक आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 होता है। तो 3 हमें चाहिए प्लेयर, 0 1 2, तो और इन फर्स्ट 3 प्लेयर्स तो 0 से स्टार्ट होंगे, इसलिए हमें हमने इसको ये रेंज दे दी। और उसके बाद हमने इसको कर दिया प्लेयर, क्योंकि ये जो प्लेयर्स में से लिस्ट में से लेगा और प्लेयर में ऐड कर देगा, और हम उसको इधर प्रिंट क्लियर कर देंगे, तो इसको हम रन करवा के देखते हैं। हादी मोहम्मद एंड सिद्दीक, ये एक लिस्ट है और उसमें लिखा हुआ रहा है हेयर आर द फर्स्ट 3 प्लेयर्स इन माई लिस्ट। चले जी, अब फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपिंग अ लिस्ट, टू कॉपी अ लिस्ट यू कैन मेक अ स्लाइस दैट इंक्लूड्स द एंटायर ओरिजिनल लिस्ट बाय ओमिटिंग द फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स, दिस टेल्स
Python to make a slice that start at the first item and end with the last item, producing a copy of the entire list. Write a code in Jupyter. एक लिस्ट है, उसको किस तरीके से हमने कॉपी करना है। चलें जी देखते हैं कि उसको किस तरीके से कॉपी करना है। तो हम Jupyter नोटबुक पे चलते हैं। तो फर्स्ट करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, माय फूड्स। फूड्स की एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को फिर हम कॉपी कर देंगे। अच्छा जी, तो लिस्ट में स्ट्रिंग दें डालेंगे तो लाजमी एनोटेड कॉमास में आ जाएगा, और नंबर्स होंगे तो वो बगैर एनोटेड कॉमास होंगे, और ये पिज्ज़ा कॉमा सेकंड एनोटेड कॉमास दिस बर्गर जी, देन थर्ड इज ओके मीठा ले लेते हैं केक। दिस इज द फर्स्ट लिस्ट माय फूड्स। नाउ हमने इसको कॉपी करवाता हूँ फ्रेंड्स फ्रेंड और फूड्स। मैंने वेरिएबल किस तरीके से मेंशन करने होते हैं ये पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, देख रहे होंगे आप, मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ और जो है लेंथ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल रूल्स। तो फ्रेंड और उसको मैंने लिस्ट नहीं बल्कि कॉपी करना है माय फूड वाली लिस्ट को, तो मैं उसको जो है जस्ट लिख दूंगा माय अंडर फूड्स कोलन दे देंगे, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी माय फूड्स की लिस्ट में है वो वेरिएबल फ्रेंड फूड्स में लिस्ट बन जाए। एज अ स्टोर जो है वो इस एक माय फूड्स की लिस्ट जो है वो फ्रेंड फूड्स में स्टोर हो जाए। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दे, और इनवर्टेड कॉमास में लिख देते हैं कि माय फेवरेट फेवरेट फूड्स आर कौन, और उसके बाद ये हेडिंग आ जाएगी, और उसके बाद मेरे प्रिंट में जो माय फूड की लिस्ट है वो मैं इधर वेरिएबल लिस्ट का इधर प्रिंट करवा दूंगा तो वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ ये प्रिंट कर क्या माय फ्रेंड्स इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिया था और एन न्यू लाइन है माय फ्रेंड्स बाहर वाली डबल कोट है और इसलिए अंदर सिंगल कोट आ भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप ये रूल भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो माय फ्रेंड्स फेवरेट फूड्स आर ये हेडिंग आ जाएगी, और हम उसमें अगला और सॉरी ब्रैकेट आद इंटर कर देते हैं और इसको प्रिंट। अब हम इसको कराएंगे फ्रेंड फूड्स को प्रिंट करवा देंगे, और इसको हम रन करके देखते हैं। आप इसको देखें, ये कोड है माय फूड है उसकी लिस्ट है, और उसको माय फूड की लिस्ट को मैंने कॉपी कर दिया है फ्रेंड फूड्स के वेरिएबल में, और उसके बाद मैंने प्रिंट कराया कि माय फेवरेट फूड्स आर, ये एक प्रिंट हो जाएगा जस्ट, एंड उसमें उसके नीचे जो है मेरे माय फूड्स की लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद माय फ्रेंड फूड्स के साथ फिर मेरे फ्रेंड की लिस्ट आ जाएगी। तो अब देखें मेरी माय फेवरेट फूड्स आर पिज्ज़ा बर्गर केक, एंड क्योंकि मैंने उसको अपने दोस्त की फ्रेंड फेवरेट में भी फ्रेंड फूड्स में भी मैंने अपने फूड्स को कॉपी कर दिया है तो वो एज इट इज़ आ रहा है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा क्लियर करके देखते हैं कि हम लिस्ट में स्लाइड में गया टू प्रूव दैट वी एक्चुअली हैव टू सेपरेट लिस्ट, वी विल ऐड अ न्यू फूड
to each list and show that each list keeps track of appropriate person's favorite foods. तो हम चल के अपनी लिस्ट में भी एक नाम अलग से ऐड करता हूँ और जो फ्रेंड की लिस्ट है उसमें भी मैं अलग से नाम ऐड कर देता हूँ, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं जी, कोड लिखते हैं फ्रेंड अंडर सॉरी सबसे पहले माय फूड्स की लिस्ट है जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, लिखने से ज़रा बच जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये फ्रेंड लिस्ट है और उसको मैंने जो है बल्कि ये वाला भी कोड लिख लेते हैं फ्रेंड फूड्स इज इक्वल टू माय अंडरस्कोर फूड्स, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस तरह ये कॉपी हो जाएगा फ्रेंड ओनली हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो फ्रेंड मुझे, अब मैं अपनी लिस्ट में एक आइटम ऐड करूँगा और फिर फ्रेंड की लिस्ट में एक आइटम ऐड करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी लिस्ट अलग है, फ्रेंड की लिस्ट अलग है और मेरी लिस्ट जो है वो जस्ट कॉपी हुई है, रिप्लेस नहीं हुई। तो अब हम जो है सबसे पहले मैं अपनी माय फूड में जो है एक आइटम ऐड करता हूँ और ऐड करने का जो तरीका है वो डॉट अपेंड के साथ आता है और उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, कोल्ड ड्रिंक ऐड कर देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ऐड कर देता हूँ और उसके बाद जो है फ्रेंड फूड जो है लिस्ट फ्रेंड की फूड्स की लिस्ट जो है उसमें मैं सॉरी अपेंड करना है डॉट अपेंड एंड मेथड है तो इसमें हमने इसको स्ट्रिंग है और हम इसको मैं आइसक्रीम कर देते हैं। अच्छा जी, अब सारा वही कॉपी होना है, यहाँ से ही कर देते हैं कॉपी, ये माय फ्रेंड और वो आ जाएगा देखें जी, आप देखें फिर से माय फूड जो है पिज़्ज़ा बर्गर केक है और उसको मैंने माय फूड की जो लिस्ट है उसको कॉपी कर दिया फ्रेंड फूड्स में और उसमें मैंने माय फूड में जो है कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दिए अपेंड के तौर पर लिस्ट में, जब नई फ्रेंड लिस्ट होगी तो उसमें कोल्ड ड्रिंक भी आ रहा होगा और फ्रेंड फूड्स की अपेंड कर दिया आइसक्रीम और उसमें जो है फेवरेट फूड्स जो मेरे फ्रेंड्स के हैं उसमें आइसक्रीम ऐड होना चाहिए, तो आपको पता लगे। अब हम उसको रन करके देखते हैं, देखें जी माई फेवरेट फूड्स आर पिज्ज़ा बर्गर केक इन लास्ट कोल्ड ड्रिंक जो मैंने ऐड किया है और फ्रेंड की लिस्ट में मैंने जो है अपेंड जो किया था आइसक्रीम है, तो इसे पिज़्ज़ा बर्गर केक और उसमें आइसक्रीम आ रहा है, तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम स्लाइड पे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि क्या अब है ट्यूपल्स। पाइथन refers to values that cannot change are immutable and an immutable list is called a tuple. Okay, जी, defining tuple. A tuple looks just like a list except you use parentheses instead of square brackets. हम tuple में parentheses use करते हैं क्योंकि list में हम square brackets use करते हैं. Once you define a tuple, you can access individual elements by using each atoms index just as you would for a list, just like a list. For example, if we have a rectangle, there should always be a certain size. We can ensure that its size does not change by putting the dimension into a tuple. और वो tuple में change नहीं होगी. Right quote करके देखते हैं किस तरीके से tuple जो है काम करता है. First करें जी. अच्छा जी, ऊपर थोड़ा गलत करते हैं. Dimension is equal to तो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगी और हम इसमें पेरेंसेस यूज़ करेंगे और आगे 50
उसके बाद जो है हम इसको पॉइंट कहते हैं, डायमेंशन प्रिंट डायमेंशन हो गया, और हम उसकी इंडेक्स वैल्यू बता दें 0, और उसकी प्रिंट कर देगा वो वैल्यू, फिर प्रिंट और उसमें भी डायमेंशन, और इसमें जो है 1, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या देगा, 250। तो ये हमने उसको प्रिंट डायमेंशन का कह दिया। अच्छा जी, बात क्या कहता है, कहता है कि पाइथन टेल्स अस वी कांट असाइन अ न्यू वैल्यू टू एन इटरम इंटरवल, जैसे हमने अपेंड करते थे पहले, तो इस तरह कोई वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। हम चल के देखते हैं कि उसको जब अगर असाइन करने की कोशिश करते हैं तो क्या एरर देता है। डायमेंशन इज इक्वल टू तो पैरेंथेसिस, सॉरी पैरेंथेसिस 200 कॉमा 50, और हम उसको असाइन करते हैं अगर वैल्यू कि वो 200 की जगह उसको 250 ले ले डायमेंशन, और उसको हम वैल्यू देते हैं कि 0 की प्लेस पे जो है वो, ये मैंने जो है लिस्ट में भी इस तरह ऐड कराना सिखाया था शुरू शुरू में, तो वो आपको याद होगा। अब इसको हम 250 अगर असाइन करते हैं तो ये एरर दे देगा रन कराते वक्त। वो क्या कह रहा है, टाइप और ट्यूपल अपडेट डज नॉट सपोर्ट एटम असाइन, ये असाइनमेंट असाइन नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं करता। लिस्ट में आप कर सकते हैं लेकिन ट्यूपल में नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ट्यूपल में क्या है इसको तो देख लिया, लूपिंग थ्रू ऑल वैल्यूज इन अ ट्यूपल। चलें जी कोड की तरफ चलते हैं और लूप को यूज करके देखते हैं। अब हम फिर डायमेंशंस इज इक्वल टू 200 कॉमा 50, और उसके बाद फॉर लूप चलाना है, डायमेंशन इन डायमें शंस कोलन और प्रिंट डायमेंशन, और ये प्रिंट जो है वैल्यू जब डायमेंशन में निकलनी है तो वो आ जाएगी। ये देखें जी 200 पहले आया डायमेंशन की, वो डायमेंशन में रखा, फिर 50 रखा, तो अब उसको उसने प्रिंट कर दिया। लूप हमने चला के देखा। अच्छा जी, राइटिंग ओवर अ ट्यूपल, ऑल्दो यू कांट मॉडिफाई अ ट्यूपल, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, यू कैन असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल दैट होल्ड्स ट्यूपल, सो इफ वी वांटेड टू चेंज अवर डायमेंशन वी कुड रीडिफाइन द एंटायर ट्यूपल। अब चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते, असाइन भी फिर हमने देखा नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको रीडिफाइन करेंगे, वी कुड रीडिफाइन द एंटायर ट्यूपल। तो हम रीडिफाइन किस तरह करते हैं अब वो हम देखते हैं कि राइटिंग ओवर अ ट्यूपल किस तरह होता है। डायमेंशन इज इक्वल टू तो है 200 कामा 50, और उसके बाद प्रिंट, और हम उसको कहते हैं कि जी ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल कोलन, ठीक है, और उसके बाद हम फॉर डायमेंशन इन डायमेंशंस कोलन, और हम इसको प्रिंट डायमेंशन करवा देते हैं, और उसके बाद जो है एक और रीडिफाइन करते हैं कि डायमेंशंस इज इक्वल टू वो जो है
और इसका डबल ही कर देते हैं, 200 का 400 कर देते हैं और 50 का 100 कर देते हैं, और उसको हम कहते हैं पॉइंट प्रिंट मॉडिफाइड। न्यू लाइन से शुरू करवा देते हैं, मॉडिफाइड डायमेंशन, ठीक है जी। और इसको फॉर लूप वैसे ही फॉर डायमेंशन इन डायमेंशंस कोलन सॉरी पॉइंट डायमेंशन, और हम इसको आप प्रिंट करके देखते हैं कि पहले ओरिजिनल डायमेंशन की लिस्ट आएगी और जो रीडिफाइन हमने किया है मॉडिफाई करके वो आ जाएगी। तो ओरिजिनल 250 थे और मॉडिफाइड जो है 450 थे। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, और चल के फिर स्लाइड्स पे देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। नो, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। तो अब हम